अर्चिता अभी अपनी सहेली का वेट कर रही है। डीपी भाई, सखी सहेली तुम मन जाना, साथ रहो तो गीत सुनाना, मेरे घर भी तुम भी आना, हलवा पूरी खा के जाना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि मैं दुकान पे पहुंच चुका हूं अभी, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पौधा बेचने के लिए। एक छोटा सा सेटअप हम लोग का है, कोई भी काम छोटे से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने छोटे से डिस्प्ले वाले पौधशाले में, जो दुकान के जस्ट सामने ही लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए भैया एक एक करके पौधा ला रहे हैं, हम भी चल रहे हैं पौधा लाने के लिए। तो चलिए गाइस, धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे अभी हैं, सारे पौधे फूल के हैं, कुछ फल के भी हैं। तो ये है पूरा सेटअप छोटा सा, देख सकते हैं चारों तरफ, पर दुकान के सामने है। और अभी और भी पौधे हैं तो यहाँ पे रखेंगे। आज शुरुआती काम हो गया है, आज शुरुआत हो गया है पौधा बेचने के लिए। बढ़िया नेता जी, काम सही हुआ है। अब पहचान ये पौधा कौन कौन सा है? अन्य वो पौधा लंकत वाले। क्या कर रही हैं आप? उठाइए पौधा, उठाइए उठाइए। बताइए आप, काम फिट हो गया कि नहीं पहले से? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। सब भेड़ी वाले आ गए भैया, और इधर भेड़ी उड़ी चलाने जा रहे हैं। देखिए काफी दूर दूर तक जाते हैं, और इसका जो है ऊन काफी महंगे दामों में बिकता है। आइए आइए, इसे थोड़ा इंटरव्यू ले लेते हैं अभी। कहाँ जा रहे हैं भाई आप? जा रहे हैं चराने। तो कितना दूर तक जाते हैं चराने के लिए? अरे चल जाते हैं 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर तक। इसका ऊन कितने रुपए किलो बिकता है? बिक जाता है 10-12 किलो। 10-12 रुपए हर साल, मतलब 2-3 लाख की कमाई हो जाती है कि नहीं? आराम से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो छोटा सा आपने टाइम दिया मुझे। चलिए जाइए अपना काम करिए भाई। इधर देखिए गुल्लू जो है, मेक इन इंडिया के तहत ये भी आगे बढ़ रहा है। ये एक पेपर के टुकड़े से ये गुल्लू ने बनाया ये पतंग। पतंग उड़ रहा है कि नहीं? उड़ रहा है, पूरा सही तरीके से उड़ रहा है। उड़ा के दिखाओ। हवा नहीं चल रही है। हवा चलेगा तब भी उड़ेगा भाई। तो गुल्लू ने बनाया ये पतंग कागज से, बता रहा है होम मेड है, होम मेड बना रहा है बता रहा है। देखिए अभी तो एयर ही नहीं है उतना, लेकिन बता रहा है उड़ा है। उड़ा है क्या इसके पहले? कहाँ तक गया था? थोड़ी दूर पे गया था। आज गए नहीं स्कूल? दोनों लोग का छोटू गया। अच्छा छोटू गया। तो गाइस देखिए गुल्लू ने मंगाया है न्यू पतंग। ये है पतंग न्यू वाला, पेपर वाला पतंग वर्क नहीं किया। क्यों गुल्लू, पेपर वाला पतंग नहीं काम किया क्या? टूट गया बाद में, उसमें एयर नहीं रुकेगा ना, फट जाएगा वो। तो कोई नहीं, अभी गुल्लू का मदद करते हैं पतंग उड़ाने में। तो चलिए, क्या है काम? अंदर है गाइस, गुल्लू भाई भाग के चला आया वहां से, क्योंकि बहुत बहुत विकराल बंदर आ चुका है गाइस। यहाँ पे देखिए बहुत ही विकराल बंदर है। लगा देखिए, ध्यान से अभी देख नहीं रहा है मेरे को, समझ नहीं पा रहा है कि कौन बोल रहा है अभी। तो गाइस देखिए ये है बंदर, बड़े ही आराम से बैठा हुआ है, बड़े ही आराम से बैठा हुआ है, बड़े ही चुपचाप से बैठे हो। देखिए गाइस एक बंदर उतरा अभी वहां से, एक यहाँ पे बैठा, अभी एक उतर के वहां पे रेलिंग के अंदर है छत पे।
उधर भी बच्चे बोल रहे हैं भोजपुरी लैंग्वेज में, कहाँ बा देखिए, शायद उधर चला गया, क्या गया बंदर, बंदर गया, अभी बंदर आ गया था इसीलिए। चलो, अरे नहीं आएगा, वो गया, रुक जाओ यार, फंस गया यहाँ पे। हाँ, बंदर से डर रहे हो क्या अभी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वाला बना क्या, एक उड़ा है, लेकिन उतना सफल है नहीं, उतना सफल नहीं है ना, उतना सफल है नहीं वो, ठीक है। अर्चिता दीदी, तुम्हारे लिए लो। देखिए ये दे रहा है अर्चिता को, बोल रहा है तुम्हारे लिए, ये पेपर का पतंग, कागज का पतंग। चलते हैं अभी दुकान की तरफ। देखिए गाइस, हमारे दादाजी यहाँ पे पेपर किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं अभी, चोरी चोरी नहीं तो जान जाएंगे ये अभी। देखिए कौन पढ़ता है पेपर ऐसे, ये देखिए बड़े ही लगन से पेपर को पढ़ रहे हैं चाट चाट के। अर्चिता जा रही है कोचिंग पढ़ने के लिए, और अरे भाई यार, अमरूद तोड़ के लेके आओ यार, लेके आओ, लाओ लेके आओ अमरूद। इधर देखिए छोटू का, गाइस बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ रहा है, बोल रहा हूँ इसे यार मैन मैटर यूज कर, या तो ट्राया यूज़ कर लो, लेकिन यार वही नहीं मान रहा है ये। ला ला इधर रुक जाओ, रुक जाओ, इधर ला, इधर इधर लाओ यार अमरूद, ला यार अमरूद, तो कच्चे हैं उतने पक्के हैं नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, खा लेना है अभी। तो गाइस अभी टेस्ट करके देखते हैं ये अमरूद कैसे हैं, अभी भी है ठीक भी है। अर्चिता अभी अपनी सहेली का वेट कर रही है। डीपी भाई, सखी सहेली तुम मन जाना, साथ रहो तो गीत सुनाना, मेरे घर भी तुम भी आना, हलवा पूरी खा के जाना। अभी देखिए कब आई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। अबू तो तुहार ब्याह कब हुई, कब हुई बता दे, क्या हो यार, बर्तन ना लिया, भर्ती हमने बर्तन ना लिया क्या बा, ना दिया जा भर्ती है, ना दिया जा हमें, यहाँ पर दीदी की सखी सहेल आ चुकी है, अभी जाएंगी कोचिंग। भैया बनाओ लाल, अनु दीदी सखी सहेल आई और वो गई। देखिए सखी सहेलों के भी जा रही है अनु की कोचिंग पढ़ने के लिए, एक साथ सातों सहेलियां।